दर्शन दे एक बार दे माता तुम्हारी दे जाया, दर्शन दे एक बार दे माता तुम्हारी दे जाया, दर्शन दे एक बार दे माता तुम्हारी दे जाया, दर्शन दे दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया, दर्शन दे एक बार वे माता उमरी दे जाया।
बार जिन
राम कली महला तीजा। हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना
संतो कहना कछु न पहली अकले पहली अकले जे मेरे
Yeah.
सामने बैठे हाँ
और असी कुछ करने जोगे नहीं, ये सब कुछ आप ही करने वास्ते इंसान उतारने वास्ते इतने आए हूँ। तो कुछ गल मैं तुम कल भी दसिया हूँ कि सतगुरु की मौत की होती है और सतगुरु की इतने त्रिलोकी के विच देह धार के क्यों आते हैं, इन्हों की जरूरत पैंदी है, कादे वास्ते इतने आते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने भी अपनी बाणी दे विच फरमाया है, बिन करनी बिन गुर बिन करनी छुटे ना खान खान का फिरना, के बगैर गुरु दे और बगैर करनी दे करनी असी की करनी है। असी इत्थे आए हाँ सारे उन्हां दे वचन सुनांगे, लेकिन कुछ ऐसियां रूहां होंदियां हन जिहड़ियां काल दे चक्कर दे विच बड़ियां फसियां होंदियां हन। गृहस्थी लोग असी बहुत सारे फसे होंदे हाँ और कई ऐसी गृहस्थियां कई ऐसिया गल्लां होंदियां हन। असी इत्थे सत्संग भी सुनते हाँ लेकिन जदों इत्थों दरवाजे तों बाहर चले जाते हाँ तो इत्थों दीआं गल्लां इत्थे ही रह जांदियां हन। फिर साडे कन्न जिहड़े ने उह उस तरह काली कोठड़ी की तरह, जिस तरह काली कोठड़ी के बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता, इस तरह सानू वो गल्लां भी भुल जांदियां हन और वो वचन सानू भुल जांदे हन। फिर असी काल के चक्कर के विच पै जांदे हाँ, रोज़ दिन के रोज़मर्रा के असी काम करते हाँ काम करते जाते हाँ और फिर असी जिहड़ा काम सतगुर सानू दसदा है वो असी भुल जांदे हाँ। तो इस वास्ते सतगुर जिहड़े ने वो साड़ियाँ तकलीफां देख के वो इत्थे आए हैं, उन्होंने देह धारण की है, वो अपनी देह नू इत्थे तकलीफ देते हैं और उस पिता परमात्मा नू, क्योंकि वो पिता परमात्मा जिहड़ा सर्वशक्तिमान है जिसने के सारी दुनिया की रचना रची हुई है, द सुपर नेचुरल पावर जिसनों के सब तो बड़ा और उच्चा और सुचा जिहड़ा के अनामी देश दे विच रहिंदा है जिसका घर सचखंड है, उतों ये एजेंट और मैसेंजर बन के आते हैं और यही मैसेंजर इतने आके दुनिया के जीव जिहड़े पापी हैं सड़ते हैं और तकलीफों के विच हर दम तकलीफों के विच रह रहे हैं, उन्होंने इतने रूहानियत ताकत बख्श के रूहानियत का रास्ता दस के जुगती दस के इतों कढ़ के लै जाते हैं। हुण ये अष्टांग शक्ति अष्टांग योग के हिसाब नाल अष्टांग शक्ति जिहड़ी है ये ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हां तिन्हां की माँ हुई है और इन्हां तिन्हां ने इस दी रचना कीती है। ये त्रिलोकी की रचना जिहड़ी है इस दी है, क्योंकि अकाल पुरख ने 64,000 साल एक बारी भगती की सतपुरश की और 64,000 ही साल दूसरी बार भगती की सतपुरश की और सतपुरश ने खुश हो के इसनों वर दिता कि मंग तू की मंगना है। तो इसने मंगया कि मैनू थोड़िया जिहियां रूहां चाहीदियां हन ताकि मैं अपनी दुनिया जिहड़ी है बसा सकां। तो अकाल पुरख दे नाल सतपुरश का पक्का वायदा हो गया कि ये तू रूहां लै लै और उसने सतपुरश ने रूहां दे दित्तियां थोड़िया जिहियां और अकाल पुरख ने इस इन्हां रूहां की एक दुनिया रचना रची जिसनों ये त्रिलोकी कहते हैं और यही त्रिलोकी दे असी जीव हाँ। फिर जब इन्हों का एक किस्म का बार्डर बन गया सतपुरश का और अकाल पुरख का, क्योंकि जिस तरह हूँ इंग्लैंड का बार्डर है और अमरीका का बार्डर है जां हिंदुस्तान का बार्डर है और पाकिस्तान का बार्डर है और हिंदुस्तान के बार्डर के विच रह के पाकिस्तान के बार्डर के विच जाना मुश्किल हो जा सकता है, इसी तरह ही सतपुरश जिहड़ा है इसने अपनियां रूहां दे दित्तियां, क्योंकि असी सतपुरश की अंश हाँ पिता परमात्मा की अंश हाँ, वो परमात्मा है मीनस के परम आत्मा साढ़े कोलों वो बड़ी आत्मा है, उसके ख्याल बहुत उच्चे सी, वो स्पिरिचुअलिटी वो हर चीज़ पैदा कर सकता ही, उसने सानू उसके हवाले कर दिता और अकाल पुरख ने अकाल पुरख के नाल ये वैदे हो गए कि मेरा इंसान भेजा होया मैसेंजर जा एजेंट अगर तेरे देश दे विच आ जाए और वो जुती दे के नाम भजन सिमरन करवा के उन्हां इंसानां नूं वापस लै जाए तो तेरा कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, ये वैदे करोड़ हो गए
उस हिसाब के नाल अकाल पुरख दे नूं ए वैदा मनना पिया, क्योंकि जिहड़ा इंसान कोई चीज़ अगर देता है तो उहदे विच कोई कंडीशन अगर रख लैंदा है तो वह कंडीशन किसी नूं मननी पैंदी है। उही कंडीशन जिहड़ी है वह अकाल पुरख नूं मननी पई। और अज जिहड़े संत फकीर जदों दी ये सृष्टि बनी है अदों दे संत फकीर, क्योंकि जदों अज तो 500 साल साढ़े ये मुसलमान जा 1400 साल मुसलमान नहीं से, इसके पहले हिंदू नहीं से, क्योंकि जब भी इसकी उत्पत्ति हुई ये इंसान और औरत दे नाँ ते इसकी त्रिलोकी की रचना रची गई। ना इत्थे कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, क्योंकि इत्थे उस दे घर दे विच सिर्फ इंसाफ सी और उसने सिर्फ ये इंसान नूं पैदा किया और इंसान नूं पैदा करके उसने इहदे विच कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया। इत्थे डिफरेंस जिहड़े पैदा किए हुए ने ये साढ़े मन दे ने, और साडा दिमाग जिहड़ा है मनमुखी दिमाग हो गया, गुरमुखी दिमाग नहीं रहा। तो संत फकीर जिहड़े उत्थों आए सी उन्होंने इत्थे आन के इहनू जुगती दित्ती, लेकिन अकाल ने की किया कि इत्थे जिन्हें भी इंसान पैदा किए उन्होंने अंदर इस तरह की चीज़ां नाल नाल साढ़े पैदा कर दित्तियां, काम क्रोध मद लोभ हंकार, ये पांच शक्तियां जिहड़ियां ने ये साढ़े अंदर इस तरह दियां पैदा कर दित्तियां कि इंसान जिहड़ा है ये चक्की दे विच पीसिया जाए। और दैन इट बिकम्स ए विकस सर्कल, एक किस्म का विकस सर्कल बन जाता है। इसकी पहले सैट्स इसकी डिमांड पैदा हो जाती है, जब यह अपनी डिमांड अगे रखता है फिर डिजायर भी इसकी जिहड़ी आस्ता आस्ता शुरू होंगी, फिर ये पू इसकी पूर्ति होंगी और थोड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती, फिर यूटिलिटी पैदा हो जाती, आस्ता आस्ता विकस सर्कल बनते इस डिमांडा भी बढ़ती जाती हैं। डिमांडा के साथ साथ नाल नाल ये दुनियादारी दे विच काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये पंजे शक्तियां ने जिहड़ियां ने ये मन दे हिसाब दे नाल इस ते गलब हो जांदियां। और सतपुरश दा जिहड़ा मैसेज सी संत फकीर जिहड़ा मैसेज देंदे वो इस नूं भुलदा गया और ये 84 लाख जिया जून दे विच फस गया। हुण अकाल चाहुंदा है कि मेरी त्रेई लोकी जिहड़ी है, मेरी फुलवाड़ी जिहड़ी है, ये नाश ना होवे और मैं इन्हां जीवां नूं इत्थे ही फसाए रखां, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम दे विच ये जहरा जिहड़ा ये मिठा जहर सानूं दे रहा है, ये सारा मिठा जहर है। कोई भी इंसान इत्थे सुखी नहीं है, हर इंसान नूं जाने पैना है, हर इंसान जा रहा है। असी मत सोचिए कि असी इत्थे जी रहे हैं, वी आर डाइंग मिंट बाई मिंट, डे बाई डे, मंथ बाई मंथ, एंड एवरी बाई ईयर बाई ईयर असी इस शरीर नूं खत्म कर रहे हैं। साडा 24,000 साल श्वास जिहड़ा है वह जा रहा है, इन्हां श्वासां दे नाल ही असी अपनी जिंदगी जिहड़ी है बतीत कर जावांगे। फिर जाके अगर असी किसी संत महापुरश का ध्यान नहीं धरिया जां उस कोलों युक्ति नहीं ली जां उस दे कहने ते नहीं चले तो फिर साडा की हाल होवेगा। 84 लाख जिया जून जिस दे विच स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है कि 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकौड़े हैं, 14 लाख के पक्षी हैं, 9 लाख किस्म के देवी देवते और ये किस्म हैं। तो इस तरह जिस वक्त असी इन्हां सारियां जूनां दे विच चल जावांगे तो फिर इंसान की सोच सकता है कि मैं फिर ये इंसान की जून मैनू मिलेगी, क्योंकि ये जिहड़ी जून है ये सब तो बड़ी उच्ची और सुची है। इस दे विच दिमाग दिता होया है, उस पिता परमात्मा जिहड़ा है वो साडे विच बैठा होया है, और कित्थे बैठा है वो संत महात्मा फकीर कहिंदे हन कि वो तेरे अंदर है, तू उसकी तलाश कर। लेकिन ये तलाश प्रगट क्यों नहीं होता, क्योंकि जिहड़ी साडा अमृत रस आत्मा जिहड़ी है इस दे विच दो चीज़ां हन, एक वो चीज़ है जिहड़ी इस आत्मा नूं बुरे पासे लांदी है, एक वो चीज़ है जिहड़ी इस आत्मा नूं अच्छे पासे लांदी है। जद बुरी आत साडा मन जिहड़ा है दूजे पासे चला जांदा है तो आत्मा कमज़ोर पै जांदी है, इसका कोई असर नहीं होता और इंसान नूं जिहड़ा है इस शरीर के नाल ही जेलां भी कटने पैंदियां हैं, नरकां विच भी जाना पैंदा है। लेकिन ये आत्मा की खुराक जिहड़ी है वह अमृत रस है,
और जिहड़ी मन की खुराक है ये काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, इहदे विच ये खुश रहिंदा है, इसनूं इहो चीज़ां चाहीदियां हन। और अकाल पुरश जिहड़ा है इहो चीज़ां इस ते प्रवान करदा है कि तू इहो चीज़ां जिहड़ियां ने मिठा जहर दे के खाई चल और तू खुश रह, और ये इंसान नूं खुश रखदा। लेकिन इंसान जिहड़ा है, इंसान की जिहड़ी आत्मा है, इसनूं बल नहीं मिलदा। बल किस तरह मिलेगा? इस दे नाल नाल ही बल जिहड़ा है ये सानूं भजन सिमरन नाल मिलना है। वो शब्द ताकत जिहड़ी है साढ़े अंदर 24 घंटे चल रही है और उस पिता परमात्मा दे घर तों चली आ रही है, उस दे नाल सानूं ये बल मिलना है।